बीजेपी किसी के भरोसे के लायक नहीं है और साथ ही उन्होंने ब्रिटिशर्स से सीखा है कि अपने मफाद के लिए किस तरह से लोगों को इस्तेमाल करना चाहिए। ये कहना है एनसी के उमर अब्दुल्ला का। जी हाँ, आपको बता दें उमर अब्दुल्ला ने ये स्टेटमेंट की है जहां पर उन्होंने बताया है कि भाजपा किसी के लिए भी फायदेमंद साबित नहीं हो सकती है और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है ये सारा जो है उन्होंने ब्रिटिशर्स से सीखा है अपने मफाद के लिए दूसरों को इस्तेमाल करना। और वहीं पर अगर हम उनका देखें, उमर अब्दुल्ला का देखें, तो वो ही US डिप्लोमेट से मिलने गए थे और ये स्टेटमेंट जो है ये दो तरफा स्टेटमेंट्स देखने को हमें मिल रही है कि वही जो है US डिप्लोमेट से मिले थे और साथ ही साथ वो उन्होंने ये भी अपने स्टेटमेंट में कहा था कि वो असेंबली इलेक्शंस में हिस्सा नहीं लेंगे। तब तक हिस्सा नहीं लेंगे जब तक कि यहाँ के मैटर जो है जम्मू कश्मीर के मैटर्स यानी कि आर्टिकल 370 जो है वापस लोगों को नहीं मिलता है, तब तक वो इलेक्शंस में नहीं उतरेंगे। लेकिन वहीं पर हमें देखने को मिला कि वो गांधरबल कॉन्स्टिट्यूएंसी से इलेक्शंस में उतर रहे हैं। तो ये दो अलग अलग स्टेटमेंट जो है वो हमें उमर अब्दुल्ला की जानब से देखने को मिल रहे हैं।